अस्सलामुअलैकुम सजनो तबेलियो मित्रों तसेलियो कैसे हो? खैरियत करता हूँ, आप सब उम्मीद से होंगे। मेरा मुंह गाली कर गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो पायन, पहले मैंने गलत बोल दिया था, अब मैंने उसको ठीक कर दिया है, तो बताएं आप कैसे हैं? मेरे बेबी ने थाना थाया, मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। तो यार, एक तो होता है फिटे मुंह, दूसरा होता है दूर फिटे मुंह, तीसरा होता है नीरा ही फिटे मुंह। तो यार, ये जो नीरा ही फिटे मुंह होता है ना, इसकी समझ नहीं आती। समझे या नहीं? नहीं। अब जैसे कि एक तो होता है चोर, दूसरा होता है काम चोर, तीसरा होता है शदीद किस्म का काम चोर। ये जो शदीद किस्म का काम चोर होता है ना, इसकी समझ नहीं लगती। अरे कहना क्या चाहते हो? तो भाई, हमारी फैमिली में जब भी कोई लड़का पैदा होता है तो माँ बाप को वक्री खुशी चढ़ी होती है कि हमारे घर में कोई आइंस्टाइन ही पैदा हो गया। उसके पैदा होने से पहले ही 100 तरह के ख्वाब देख लिए होते हैं। हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, नहीं नहीं हमारा बेटा टीचर बनेगा, और बेटा दिल ही दिल में खुशियां मना रहा होता है कि मैं तो 8वीं क्लास में ही भाग जाना। पर इस बात का माँ बाप को जरा भी इल्म नहीं होता। ये मेरी आवाज कुछ वाहवा ही पतली हो गई है, पर वीडियो तो बनानी है, आप ऐसे ही एंजॉय करो। ओके ओके। माँ बाप को तो नहीं ना पता होता कि बच्चे ने बड़ा होके क्या करना है। जी। ज्यादा से ज्यादा छोले भटूरे की रेडी लगा लो, क्योंकि भाया ये अराइयों के मुंडे हैं, ज्यादा से ज्यादा मिडिल क्लास में इनकी ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो जाती है। लो जी, आवाज ठीक हो गई है। फिर लड़का हो जाता है बड़ा, और माँ बाप सोचता है अब इसकी शादी करेंगे और वोटी लेके आएंगे, और वो वोटी आके हमें पका के खिलाएगी। वाह, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये हर घर के रोले हैं सनम, हम क्यों इसमें टांग अड़ाएं। लेकिन फिर भी हम कुछ न कुछ मिट्टी मिट्टी तो इनकी करेंगे। उन बेचारे भोले भाले माँ बाप को क्या पता कि वोटी ने भी आके उन्हीं का पका हुआ खाना है। अच्छा, तो जब मुंडा वड्डा होता है तो इसकी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। क्यों जी? जी चलो जी, अब इसका रिश्ता ढूंढना है, वो भी आउट ऑफ फैमिली 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 फै 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 आउट ऑफ फैमिली इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि फैमिली में तो कोई कुड़ी मुंह ही नहीं लगाती। फिर लड़का तंग आके खुद ही घर वालों से कहता है, पापा मेरा रिश्ता आउट ऑफ फैमिली में ढूंढे, मुझे फैमिली में कोई भी नहीं पसंद। वाह। फिर 2 से 3 साल की पाजनस के बाद आखिरकार रिश्ता मिल ही जाता है और डेट फिक्स हो जाती है। छोटे भाइयों को एक अलग ही खुशकी, ओ मेरा मतलब खुशी चढ़ी होती है कि भाभी आएगी, भाभी के साथ वावाई हासियां खेड़ियां करेंगे, मजा आएगा मजा। पर उन बेचारों को क्या पता कि भाभी साहिबा आते ही उनकी खुशियों पे बल्डोजर फेर देंगी। क्यों जी? ना हुन दस, बोलदा नहीं तू जी। अच्छा, तो शादी के दिन करीब आ गए और लड़की की माँ लड़के की माँ से बहुत ही मासूमाना अंदाज में कह रही है, मेरी बेटी आपका बहुत ही ख्याल रखेगी, आपको पुंजे पैर नहीं लाने देगी, आपको मंजी पे बा के खवाएगी, मेरी बेटी आपको किचन में घुसने ही नहीं देगी, सारे काम खुद करेगी, आपको मंजी पे बा के खवाएगी। वाह भाई, मारो मुझे। पर उसी टाइम उनकी बेटी के दिमाग में ये चल रहा होता कि कैसे सास की बातों में से कीड़े निकाल लें। वाह, क्यों ना इसी बात पे हल्का सा ठुमका हो जाए। लोहन चस आ गई ना, मजे आ गए मजे। चले इसी खुशी में टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे तैसे करके आवाज फिर से मेरी खराब हो गई। अभी वीडियो भी 3 या 4 मिनट की बनी है, लेकिन वीडियो तो बनानी है, आवाज भी। तो जैसे तैसे करके मुकमका करके शादा हो जाता है। जो भाभियां शादी से पहले देवर जी कहती हैं, वही भाभियां शादी हो जाने के बाद, कुत्ता कमीना बगैरत कंजर माई फुट दफा। फिर जहरीली भाभी का ये अंदाज देख के रिश्ता करवाने वाले पायन के लिए एक ही बात दिल से निकलती है, शादी के बाद वही भाभियां इतनी जहरीली हो जाती हैं कि पूछो ही ना, कितने चले? ओ यार, तुसी ते वीडियो छाड़ के चले। अच्छा कुछ ते पूछो। शाबाश। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, पापियां और जहरीली होती जाती हैं। देवर नंदो से तो जलती हैं। सस बेचारी दा की कसूर? सस बेचारी की करे हुन, ठंडा पानी पी मरे? आप तो वी पंजी जोड़े बना लेती हैं, अगर सास बेचारी एक जोड़ा ले लेना तो ले बस, फिर धुन्नी में पेड़ उठती है इनकी। भाभी जान, जान दो गुस्से नु, क्यों हर वेले सड़े पूजे रहते हैं? सियाने कहते हैं सड़े पूजे रहे तो मोला भी चूक लेता है।
शादी हो जाने के बाद ऐसी ऐसी चालें चलती हैं, ऐसी ऐसी साजिशें करती हैं कि शैतान भी इन्हें अपना पे मानता है। हर टाइम इनका इसी सोच में गुजरता है कि देवर की बिस्ती कैसे करनी है और नंद को सबक कैसे सिखाना है। अभी और सुन, नंद की बनाई हुई चीज में से कीड़े कैसे निकालने हैं। अभी और सुन, सासु माँ की खरीदी हुई चीज को हुसल वट्टे ले के बुरा भला कैसे कहना है। अभी और सुन, चीजों पे कब्जा कैसे करना है। चीजों पे कब्जा करने से याद आया, खुद तो सास के सामान को इस्तेमाल कर करके विंगा चिबा करने के बाद तोड़ बांध देती हैं, पर अगर सास गलती से इनके सामान में से किसी डोंगे को हाथ लगा ले तो ले फिर वक्की में पेड़ उठती है इनके। बाहें टांग के पहुंचे उच्चे करके अच्छू गुज्जर की तरह लड़ने आ जाती हैं। क्यों जी? जी ये मेरी मम्मा ने दिया था, ये बहुत ही महंगा है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ये मेरा फर्नीचर है, ये मेरा फलाना है, ये मेरा टिमकना है। ओ बे से बगैरत चे से चवल, वड्डी आई तू, इतनी हो तो आते ही सास के सामान पे क्यों चुड़ैलों की तरह चिपक जाती हो, आते ही अपना कड़ के बाहर मारा करो सनम। नी परजाइयो साहब, तुसी बस ठुस हो, बातें करोड़ों की, बातें करोड़ों की, दुकान पकोड़ों की। नी मतलब आपका सामान फर्नीचर और सास का सामान एवं? नी की कहना क्या चाहते हो आप? नी मतलब साड़ा कुत्ता कुत्ता थोड़ा कुत्ता टॉमी। ओए तुम मेहरबान कदरदान, इसकी भाभी उसकी भाभी मेरी भाभी, इधर करो ध्यान। ये वीडियो सिर्फ आप सबको एंटरटेन करने के लिए बनाई गई है। लेकिन कुछ भाभियां, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तो इस वीडियो को अपनी पिन्नियों पे लेने की जरूरत नहीं है। तबीयत अगर ज्यादा खराब हो तो जहरीली भाभियों से दूर रहे, वजारत सेहत हुकूमत पंजाब। तो आज का मौजू बकवास करते हैं यहाँ पे खत्म। वीडियो अगर पसंद है तो इस पे लाइक ठोको और लाइक के साथ साथ कमेंट भी ठोक ही दो, और अपने दोस्तों सहेलियों में वाह सारा शेयर जरूर करना। जल्दी से जाए मुझे इंस्टा पे फॉलो करने, भूल गया, जल्दी से जाए मुझे इंस्टा पे फॉलो, जल्दी से जाए और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर ले, और जल्दी से जाए मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर ले, और जल्दी से जाए और मुझे इंस्टा पे फॉलो करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। कैमरामैन अभी तक कोई भी नहीं के साथ मैं हूँ गोल्डी बाबा, फन टाइम ऑफिशियल चैनल ते बाबा जी सियालकोट। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।